अभी तो गठबंधन होने के तो हमारे हिसाब से कोई चांस नहीं है। देखो जी, मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी कभी देश चला ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका इतना, उनकी जो सेंसेस पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। 1 साल में भी काबिल नहीं हो पा रहे। सर क्या लगता है, 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, तो क्या लगता है, एक तरफ बीजेपी है एक तरफ गठबंधन है, किसकी किसके साथ आप चाहिए? देखो गठबंधन तो अभी कोई शोर नहीं है, अभी हुआ है या नहीं हुआ इसमें तो अभी सस्पेंस चल रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो अभी तो वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं कांग्रेस के लीडरों को अंदर ठोकने में लगे हुए हैं, नाजायज धक्का, जिसे पंजाबी में धक्का बोलते हैं, धक्के के साथ। अभी तो गठबंधन होने के तो हमारे हिसाब से कोई चांस नहीं है क्योंकि अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस का जो वर्कर है वो डाउन चला जाएगा। मैं खुद कांग्रेस से यूथ प्रधान हूँ कांग्रेस का अपने शहर में, और मेरी वाइफ काउंसलर है कांग्रेस से ही। अच्छा, जी हाँ, कांग्रेस के नेता हैं। नहीं चलो सेवक हैं जी, नेता क्यों। आप एक कांग्रेसी हैं, मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार? देखो जी, मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। कांग्रेस के में ये एक बहुत ही वीक पॉइंट है कि राहुल गांधी जी उनको कम्पीट नहीं कर पाते, ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस आए, बट लग नहीं रहा। मतलब आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जी मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। लेकिन कोई और तो चेहरा होगा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? देखो जी, अभी तो जो उन्होंने काम करके दिखाया है, राम मंदिर वो बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज था जो उन्होंने करके दिखाया। देखो उस जो वो काम है उसको मैं राजनीति से ऊपर उठ के देखता हूँ, मतलब बहुत ही। देखो जिस देश में राम का देश और राम का मंदिर ना हो, ये कहाँ का वो, मतलब ये इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा सर, 10 साल बीजेपी की सरकार को होने को है, आपको क्या लगता है देश में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखो विकास तो होता ही है, चाहे 10 साल कांग्रेस ने भी तो राज किया, उसने भी विकास किया। मनमोहन सिंह जी सबसे बढ़िया अर्थशास्त्री हैं, ठीक है जी, उन्होंने फर्स्ट टाइम राज किया, उसके बाद उनकी जो उनके अच्छे काम थे उनको देखते उनको फिर से मौका मिला। चलो ये एक राजनीति का असूल है, जब कोई ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। अभी मोदी मोदी है, एक दिन नीचे भी आएंगे, ये नहीं है कि कांग्रेस खत्म हो गई है। सीधा सा सवाल सर ये है कि मोदी जी के राज में विकास का काम हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है जी, सबसे बड़ा बिल्कुल हुआ। जब आप मान रहे हैं, आप भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं, तो क्यों कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये चीज नहीं मानते, क्यों कहते हैं कि मोदी जी ने विकास के नाम पर विनाश किया है? ये तो देखो ओपोजिशन का काम है, जो उनके वीक पॉइंट उनको उठाना, जो सही काम है यही तो मतलब रोना है हमारे देश का। ये दुर्भाग्य है कि जो यूथ है तभी पीछे जाता जा रहा है, जब तक यूथ आगे नहीं आएगा देश का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि यूथ की जो विज़न है बिल्कुल सीधा है कि करप्शन हटाओ, ठीक है। एक जो यूथ है धक्के खाकर, पढ़ाई से धक्के खाने, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, शुरू से धक्के खा के मेहनत करके चुनाव जीते, चुनाव लड़े कांग्रेस से तो जीते, ठीक है जी, जब तक यूथ आगे नहीं आएगा जब तक कोई कल्याण नहीं होगा। अच्छा, देश में बात होती है कि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, आप ये चीज मानते हैं क्या? देखो बेरोजगारी भी है, उसका कारण हम खुद हैं, पढ़ते हम नहीं, दोष हम सरकारों को देते हैं। सर आप ही के नेता है राहुल गांधी जी, वही कहते हैं देश में भयंकर बेरोजगारी चल रही है। मेरे अकेले के नेता नहीं, वो सभी के नेता है, आपके भी है, ठीक है ना, जो देश चलाता है वो सभी का नेता होता है। अच्छा। मेरा अकेले का नहीं है, ठीक है ना। ये देखो जब वो आएंगे फिर उनसे भी पूछ लेना आप, ये अगर मौका दोगे तो चला पाएंगे। अभी आप ही नहीं, राहुल गांधी कभी देश चला ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका इतना, उनकी जो सेंसेस पावर है वो इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि वो एक देश चला पाए। नहीं ऑब्वियसली उनको, अच्छा राहुल गांधी के पास नहीं था, लेकिन जब मौका मिलेगा तभी साबित करेंगे ना अपने आप को। नहीं अगर उनको मौका, अच्छा चलिए ठीक है, देश संभालने का मौका नहीं दिया लेकिन उनको बोलने का मौका तो दिया जाता है, वो बोल नहीं पाते तो फिर देश कैसे चलाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर अब देखो 2024 अभी पेंडिंग है, उसमें जब नतीजे आएंगे फिर पता चलेगा कौन। सर अभी आप ही ने कहा कि राहुल गांधी जी मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते। नहीं टक्कर नहीं दे सकते, इसका मतलब ये तो टक्कर देना छोड़ देंगे, लड़ेंगे तो सही चुनाव, जो लड़ता है वही जीतता है, जो लड़ेगा नहीं वो क्या जीतेगा, ठीक है ना। गांधी का एक काम गिनाइएगा, आप गिना दो फिर मुझे। मैं राहुल तो गिना चुका, मोदी के भी गिना चुका, मैं राहुल गांधी जी का भी गिना चुका। वही राहुल गांधी है, अभी एक नया नया बयान आया है कि जब सुबह आप उठते हो तो स्टोव जलाते हो तो उसमें कोयला डालते हो चाय बनाने के लिए, वो राहुल गांधी है जिनको कुछ पता नहीं होता पीआर टीम उनका क्या काम कर रही है, क्या करवाने वाली है, उसी राहुल गांधी का ये समर्थन कर रहे हैं। अब मैं नहीं किया
सही को सही गलत को गलत बोला है। कहां से लड़े लेंगे आप? 26 सिरकुटों में चले जाइए, राहुल गांधी का बंगाल में रथ रोक दिया, असम में FIR हो गया, बिहार जाते जाते सरकारी गिर गई, बिहार जा ही रहे थे बॉर्डर पहुंचे सरकार गिर गई। अब मुझे और सुने दिल्ली, सुनिए जो दिल्ली आए हुए ना, अब दिल्ली में पता है क्या होने वाला है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ये अपना बैग पैक करने हैं और इटली भागेंगे। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मौका देके तो देखिए एक बार। मैम किस चीज का मौका देखिए? प्रधानमंत्री बना, वड़ा पाव थोड़ी ना बन रहा है देश में, देश चलाने की। आलू की मशीन लगाने वाला जिसमें से एक साइड से सोना निकलेगा, वो वाला चांस मांग रहे हैं आप? तो उसमें क्या खराबी है? चाय वाले को भी तो मौका मिले, चम्मच वाले को थोड़ी ना मौका देंगे आप? राव सुनिए, पब्लिक बड़ी है, पब्लिक ने देखना है, आपके और मेरे बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? जो पब्लिक ने करना है वही करना है। आप ये बताइए राहुल गांधी काबिल है? माँ के पेट से कोई काबिल बन के नहीं निकलता, सब बन के ही सीख नहीं हो पा रहे। 54 साल में भी काबिल नहीं हो पा रहे, 54 साल में भी मैं काबिल नहीं है। इतने काबिल तो है राहुल गांधी। मैम कितने काबिल है आप बताइए? क्या इतनी प्रतिभाएं हैं उनके अंदर? कौन सी प्रतिभाएं? कभी कुली बन जाते हैं, कभी महिलाओं के बीच जाते हैं, कभी किसानों के बीच जाते हैं, इतनी सारी प्रतिभाएं तो है ही। अरे मैम सुनिए, ये सब बात छोड़िए, जो वो कह रहे हैं सुनिए कि प्रतिभा है, सुनिए। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया ना, बहस करने आया। अरे आ जाओ, प्रतिभा की बात कर रहे हो? आपकी राहुल गांधी के अंदर बहुत बड़ा प्रतिभा है। आप राहुल गांधी 15 साल से ज्यादा अमेठी के सांसद, 5 साल होने वाले वायनाड के सांसद, सिर्फ एक काम नहीं बता सकते ये, और ये कह रहे राहुल गांधी को बना दो भाई। बता दीजिए इनको राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को मौका ही नहीं मिला प्रधानमंत्री बन के। सांसद जो सांसद है उनके क्षेत्र में जाइए, वो लोग बताएंगे, आप और मैं सही नहीं बता सकते। उसी झोपड़ी में राजीव गांधी जाते थे, उसी झोपड़ी मिट्टी की झोपड़ी में संजय गांधी जाते थे, उसी मिट्टी की झोपड़ी में इंदिरा गांधी भी गई, अब उसी मिट्टी की झोपड़ी में श्री 1008 राहुल गांधी भी जा रहे हैं। और हैरानी की बात है, वही राहुल गांधी जो संविधान पे भरोसा नहीं करते, वो बाहर जाके कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारे देश में मुस्लिम लीग जो है वो सेकुलर है पर बजरंग दल कम्युनल है। वही राहुल गांधी जो संसद में खड़े होकर आंख मारते हैं, अपनी बहन को भरे मंच से क्या क्या कहते हैं। अब आगे आप चले जाएंगे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि इस देश में हिंदुत्ववादी सनातनवादियों को हम देश से उखाड़ फेंकेंगे। मैं उनको एक बात चुनौती के साथ कह सकता हूं कि 2024 में, ठीक है, हम हिंदुवादियों और हम सनातनवादियों ने आपको, आप चंगेज खान के औलादों को देश से उखाड़ फेंक। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैम मैंने साफ सीधा बात बोल दिया, जो राम मंदिर में नहीं गया 22 तारीख को, वो उनको न्याय यात्रा निकालनी थी, लोगों को न्याय की जरूरत है। मैम सबसे पहले नेशनल हेराल्ड घोटाला का पैसा सरकार को दे दे, बफोर्स घोटाला का पैसा दे दे, अगस्ता घोटाला का दे दे, गाजियाबाद घोटाला का दे दे, ठीक है, सारे घोटाले के पैसे जब सरकार को दे देंगे, मैं कहता हूँ इस देश में सबसे बड़ा न्याय हो जाएगा। क्या कहेंगे अब? ये भाई साहब आप पॉलिटिक्स में से? नहीं नहीं। अच्छा पढ़ते हो? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हो? कहीं करता हूँ, बताना नहीं चाहूंगा। क्रांतिकारी हैं, जज्बाती हो गए, ठीक है, आपके जो बहुत अच्छे व्यूज हैं। आपका अपना नजरिया देखने का, हमारा अपना नजरिया है, हम पब्लिक हैं, हमें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। मैं लड़ नहीं रहा हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मौका, आप सुनिए, मैं भी नहीं लड़ रहा, आप कह रहे हैं, सुनिए, आप मौका की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को एक मौका दे देना चाहिए। मैं नहीं देना, पब्लिक मौका देगी ना सर, एक मिनट, पब्लिक मौका देगी, पब्लिक से पूछते हैं कि वो राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं। वो तो भाई मैं उसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी के दाढ़ी आ गई, मूछे आ गई, पर अक्कल नहीं आई उसको। राहुल गांधी के दाढ़ी आ गई, मूछे आ गई, पर अक्कल नहीं आई। वो क्या नाम है, देखो वो देश विरोधी बातें करता है, बाहर देश की बुराई करता है, और क्या नाम है ये, वो कहता है कि मंदिर में वो जाते हैं, हैं, और फिर वही बाहर आकर के लड़कियां छेड़ते हैं, ये ऐसे ऐसे बयान है। मैडम आप क्या सोचती है राहुल गांधी जी के बारे में? राहुल गांधी, अरे यार सुनो भाई, नहीं, 2 मिनट आपको यार, जैसे कि आप क्या सोचते हैं? नहीं देखिए, राहुल गांधी के बारे में कुछ सोचने लायक है ही नहीं, कि वो इतने वैल्यूएबल नहीं है कि उनके बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि उनको कोई काम करना ठीक से आता नहीं है, तो हम उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते एज अ मतलब लीडर बनने के लिए, वो लायक है ही नहीं। क्यों लायक नहीं? एक बार जनता मौका तो दे, पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं,
नहीं, पढ़े लिखे होने से कुछ मतलब नहीं होता है अगर आपको सेंसेस नहीं है आपके उस तरह से काम करने। आप अगर देखिए उनमें कोई लीडर क्वालिटी है ही नहीं, उनको कोई कुछ लिख के दे देता है वो बोल देते हैं, लेकिन उनको काम करने का तरीका कैसे, देश इतना बड़ा देश है हमारा उसको कैसे चलाना है वो नहीं जानते। राहुल गांधी नहीं जानते तो कौन बेहतर जानता है? आप देख ही रहे हैं 10 सालों से कौन बेहतर जान रहा है, हमारे मोदी जी, योगी जी, जो देश को इतने अच्छे से चला रहे हैं। और आज हर एक भारतीय इतना प्राउड फील करता है बाहर जाने के बाद भी, अगर हम आउट ऑफ कंट्री, जैसे कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ, हमें चांसेस मिलते रहते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के, तो इतनी हमारी वैल्यू पहले नहीं होती थी जितना कि अब देखेंगे आप अगर आउट ऑफ कंट्री जाके तो इंडियंस को बहुत वैल्यू दी जाती है। मैम आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि देश में रोज़गार की कमी है, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को रिलेट नहीं करती हूँ गवर्नमेंट से कि रोज़गार की कमी है, क्योंकि रोज़गार पहले भी था और अभी भी है। ये कमी हमारे युवाओं की है कि अगर वो एजुकेटेड नहीं है और अपनी एजुकेशन को अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है, अगर कोई ड्रिंक कर रहा है और अपनी एजुकेटेड होने के बाद भी जॉब नहीं कर रहा है तो उसमें मोदी जी क्या करें, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते ना, अपने आप को खुद को प्रमोट हमें खुद को करना है। तो विपक्ष क्यों मोदी जी को बार बार दोष देता है कि मोदी जी ने युवाओं से रोजगार छीन लिया? ये तो देखिए उनका काम है, कोई भी पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती हैं, तो वो ऑब्वियसली ये चाहती है कि सामने वालों को बुरा दिखाया जाए, तो इसमें गवर्नमेंट की हम कोई भी गलत नहीं मानेंगे, तो विपक्ष का तो काम है उनको बुरा दिखाने का, तो वो बुरा ही बोलेंगे। 2024 में मोदी जी आएंगे? ऑफकोर्स वही आएंगे, कोई और भी तो आ सकते हैं? नहीं नहीं, कोई और आएगा ही नहीं, इंडियन सब आने ही नहीं देंगे आई थिंक। कौन आएगा 24 मोदी जी? ओनली वन एंड नो। क्या नाम है आपका? हर गोविंद वाजपेयी। हर गोविंद जी, मोदी जी क्यों? क्योंकि वो जमीन से उठे हुए नेता हैं, उन्होंने, राहुल गांधी जी भी तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सिंहासन पे पैदा हुए थे और वही सिंहासन चाहते हैं बिना मेहनत के हुए। अभी कहाँ सिंहासन पर हैं, देखिए ना सड़कों पे बैठे हुए हैं, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो न्याय मांग रहे भारत की जनता से, अब भारत की जनता उनके साथ न्याय कर देगी फिर से एक बार। कैसा न्याय करेगी जनता? फैक्ट लाएगी, जो उनकी क्रेडिबिलिटी, जो इनकी वास्तविक पोजीशन है भारतीय राजनीति में, उनको वहीं पे पहुंचा देगी। हाँ जी, चारों तरफ मोदी मोदी मोदी, ऐसा क्या किया है मोदी जी ने जो लोग मोदी मोदी कर, ऐसा क्या नहीं किया मोदी जी ने जिसे हम जैसे सड़क पे चलने वाले लोग मोदी जी का नाम क्यों ना ले? विपक्ष तो कहता है 10 साल में कुछ नहीं किया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश को बेच दिया है, देश का विनाश कर दिया है। ये वही बातें हैं जिनके दादा परदादाओं की वसीयत पे जो लोग अपना हक जताना चाहते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग बिना मेहनत किए अपने बाप दादाओं के नाम पे अपनी ही प्रॉपर्टी को पाना चाहते हैं, अब नहीं पा सकते क्योंकि आम जनता जाग चुकी है, हम जैसे गरीब लोग जाग चुके हैं। अच्छा, कोई तो विकल्प होगा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? मोदी जी जब तक जीवित है मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं हम जैसे गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी जी की सरकार में तो गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये वही लोग हैं जो मानसिक रूप से गरीब हैं, जो मानसिक रूप से गरीब हैं वो इसी बात को बोल रहे हैं, क्योंकि पप्पू मानसिक रूप से गरीब है, वो चाहते कि भारत की जनता हमको हमारे नेहरू जी के नाम पे हमको वोट दे दे, राजीव जी के तौर पे दे दे, इंदिरा जी के नाम पे वोट दे दे, क्यों दे दे?